आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने ये समय हमारे जीवन में दिया और दिन भर हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचाया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के जीवित वचन से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमेन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। उन सब के प्रार्थना निवेदनों को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर उन्हें दे। और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम प्रभु से दुआ और निवेदन करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि सच में आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने हमें हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक परेशानी बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से परमेश्वर आपने हमें बचाया, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। यीशु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। ना जाने कितने लोग हैं परमेश्वर जो आज के इस समय को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया करुणा के लिए जो आपने हमारे ऊपर की प्रभु, और हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। सच में आपने हमसे अगापे प्रेम किया है, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप भले हैं, आप दयालु हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं पिता। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु पिता। आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता। यीशु, हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। आप हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपने हमें, हमारे लिए प्रभु अपने आप को इस दुनिया में, अपने आप को प्रभु हमारे लिए दे दिया प्रभु। उस क्रूस की मृत्यु को सहा प्रभु, अपने बेशकीमती लहू को बहाया ताकि प्रभु हम उस लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किए जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए प्रभु, कि प्रभु जी आपने प्रभु हमें एक अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक के लिए प्रभु जी मैं आपसे दुआ करती हूँ परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक के परिवार पर प्रभु तेरी शांति, तेरी सुख समृद्धि आए परमेश्वर पिता। आप उनके परिवारों को प्रभु हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक नजर से प्रभु जी आप उन्हें बचाएं प्रभु जी। हर एक कर्जे से प्रभु आप उन्हें बचाएं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, बच्चों को भी परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। आप उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हर एक गलत संगति में पढ़ने से बचाएं परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर, एडिक्शन में पढ़ने से प्रभु हर एक बच्चे को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर एक के परिवार पर प्रभु जी आप प्रभु अपनी दया करुणा को बनाए रखें प्रभु। आप अपने प्रेम को बनाए रखें। हर एक लड़ाई झगड़े प्रभु जी उनके जीवनों से दूर करते हैं प्रभु, उनके परिवारों से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, जो डिस्टर्बेंस परिवारों में आता है प्रभु पिता, वो डिस्टर्बेंस प्रभु उनके परिवार में ना आने पाए प्रभु जी पिता। हम हर एक के कारोबार पर प्रभु आपके, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कोई प्रभु अपने कारोबार को करता है प्रभु, किसी भी क्षेत्र में काम करता है प्रभु या फिर जॉब करते हैं परमेश्वर पिता, हम हर एक के लिए तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक के कारोबार पर आपका नामो नाम आशीष हो परमेश्वर। उनकी कमाई पे, उनकी धन संपत्ति पर परमेश्वर आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक सेहत पर प्रभु आपका आशीष हो। हर एक की खतरनाक बीमारी से बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हर एक को आप गलत एडिक्शन से बचाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु नशे की लत से आप बचाएं परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन पर आपकी दया करुणा आए परमेश्वर। प्रभु आपसी मेल मिलाप को आप हर एक के जीवन में दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, किसी के जीवन में प्रभु आर्थिक तंगी ना आने पाए प्रभु, हर एक आर्थिक तंगी से आप हर एक को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु जी जॉब तलाश करते हैं प्रभु, उन लोगों को भी प्रभु आप आशीष दें प्रभु, उनके लिए भी आप मार्गों को निकाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रभु तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी जॉब की तलाश में है
तलाश में रहे प्रभु, और प्रभु कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली परमेश्वर पिता, आप उनके लिए प्रभु मार्ग को निकाले परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर जब आप इस दुनिया में आए, कंगाल हमारे लिए बने प्रभु, ताकि हम धनी हो जाएं परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु, इस वचन के अनुसार आप उनके लिए मार्गों को तैयार करें प्रभु, ताकि परमेश्वर इस जगत में परमेश्वर उनको प्रभु आप ऊंचा उठा सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु अच्छी जॉब प्रभु उन्हें दे प्रभु, अच्छी प्रमोशंस उन्हें दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। ये सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है प्रभु, इसका उत्तर हाँ और आमीन में आपने दे दिया है पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।